हेलो चेक 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 माइक, हेलो चेक 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 माइक। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है तो यस लिखो ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। आवाज क्लियर है मेरी सभी को? जल्दी बोलो। धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए, एक बार फिर से आपके समक्ष आ चुका हूं। तो चलिए शुरू की जाए क्लास। काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या करें, सुल्तान तो हर किसी को बनना है, सुल्तान हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। शुरू करते हैं, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे 200 क्वेश्चन बाकी हुए हैं, तो अभी हम लोग 100 क्वेश्चन आज यहां पर करेंगे, बाकी के 100 क्वेश्चन कल भी मैंने क्लास सेट कर रखी है उसमें करेंगे, ठीक है? तो विदाउट टाइम डिले स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो देखो जो आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है? हो सकता है ऐसा हो कि आखिरी के 100 मैं यहां पर कर रहा हूं और जो सेकंड लास्ट वाले 100 हो वो कल की क्लास में करूं, वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं देखो स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको जो पीडीएफ दी है उसमें 1526 पेजेस है, ठीक है? मतलब 1526 क्वेश्चन है, तो 1526 का मतलब यहां पर मैं आज 1425 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1526 तक जाऊंगा आपके सामने मैं खोल के कर रहा हूं, तो इस वजह से देख लेना कि ये आखिरी 100 मैं यहां पर कर रहा हूं, तो इससे पहले के जो 100 बचे होंगे वो कल मतलब आखिरी क्लास में कर दूंगा, वो आप लोग समझदार हो देख लेना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। या तो बर्बाद कर दो। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज बास्केट ऑफ एग्स? आपसे कह रहा है अंडों की टोकरी किसको बोलते हैं? किसको? अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी हम लोग बोलते हैं किसको? आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन किया जाता है। ओके, और मिर्जापुर में बोलता ना, उन्हें यह 50 अंडे करा देते तो अच्छा होता, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, अगर बात हुई है यहां पर एग्स की, तो अंडों का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगर आपसे करता है बात केसर की, सैफ्रॉन, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू एंड कश्मीर है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन भी है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य या यूटी है जिसको केसर की वजह से जीआई टैग मिला है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो हरी मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है? और गार्डन ऑफ स्पाइसेस आप लोगों को पता ही है, मसालों का बगीचा केरल को बोलते हैं। कोई समस्या तो नहीं आ रही ना किसी को? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं पोटैटो, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? अभी ये पिछली बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर इन इंडिया? भारत में चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और अगर शहर की बात करी जाए तो कानपुर, ठीक है? वैसे अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, अभी किताबों में अपडेट नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, अब कानपुर की जगह आगरा ले लेगा, क्योंकि कानपुर में जितनी भी लेदर टेनरीज थी उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है अब आगरा में। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग कानपुर ध्यान रखिए, जब अपडेशन होगा तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन लाता रहता हूं। फिलहाल ध्यान रखिएगा, भारत में 64% लेदर अकेले उत्पादन करता था कानपुर, अभी तक 64%। अब आप समझ सकते हो अकेला एक शहर पूरे भारत का 64% लेदर उत्पादन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा टेनरिया कानपुर में ही थी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? आपसे कह रहा है डायमंड का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। डायमंड पता है ना, हीरे को बोलते हैं, जैसे आप सभी मेरे हीरे हो प्यारे प्यारे, तो डायमंड का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, श्रीलंका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना और अमेरिका। ध्यान रखिएगा, नंबर वन पे रशिया है और नंबर दो पे पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया है, तो थर्ड वन हमारा आंसर होगा। एक चीज और यहां पर आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछता है मोतियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है, आंसर बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैंने पूछा मोतियों का सबसे ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ पर्ल, मोती का उत्पादन, बताइए जरा कौन से देश में मोतियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, आंसर करो कौन से देश में मोतियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।
देखिए मैं कह रहा हूं मोतियों का उत्पादन, वो कह रहे हैं हैदराबाद। ऐसे कैसा काम चलेगा यार, ऐसे कैसा काम चलेगा। गरिमा जी का कहना है सर मेरा नेट नहीं चल रहा। अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो मेरे पास ये आपका मैसेज लेके कौन आ रहा है बताइए? एक्टिवा स्कूटी आ रही है मैसेज लेके। ये ब्राजील कुछ लोग हुआ भी बोल रहे हैं, ओके। कुछ लोग श्रीलंका बोल रहे हैं। जोगेंद्र, जोगेंद्र आंसर आपका सही है। जो लोग श्रीलंका बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। श्रीलंका में पर्ल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मोतियों का। अगर आपसे पूछता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक तो मैक्सिको है, सिल्वर। अगर मैं कहूं कि गोल्ड का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, सोने का, तो फिर चाइना नंबर वन है सोने का। वैसे आपको एक चीज बताऊं, खाने पीने की जितनी भी चीज है जैसे कि फल हो गए, सब्जी हो गए, उनमें 80% में चाइना नंबर वन है, क्योंकि भैया इनके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम लोग दो दो तीन तीन महीने में लौकी की फसल खड़ी कर पाते हैं, ये एक दिन इंजेक्शन लगाते हैं अगले दिन लौकी इतनी बड़ी से इतनी बड़ी हो जाती है। तो भैया इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी जहरीली टाइप की टेक्नोलॉजी है। जहरीली इसलिए बोला, जी हाँ वाकई में जहरीली है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का जब आप यूज करते हो तो उसके बाद वो कैंसर भी आपको बॉडी में देखे जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स भी हैं चाइना में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में चाइना ही सबसे आगे है। और कॉटन में नंबर वन कंट्री कौन सा है? अमेरिका कॉटन में नंबर वन पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना जो कि ब्राजील से पूछता है। ब्राजील कई चीजों में आगे है और ये आपसे जेन्युइनली पूछता है एसएससी। जैसे कि आपको ध्यान रखना है चॉकलेट, चॉकलेट में ब्राजील नंबर वन है। दूसरा आपको ध्यान रखना है शुगर केन, गन्ने में नंबर वन है। तीसरा आपको ध्यान रखना है और किसमें बताइए जल्दी से। कॉफी, ठीक है। इन तीन चीजों में ध्यान रखना, भूलना मत। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदवींद्र कप इनमें से कौन से खेल से संबंधित है, कौन से खेल में यदवींद्र कप खेला जाता है? यदवींद्र कप हॉकी में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक है। एक आपसे पूछता है ईरानी ट्रॉफी कौन से खेल में खेली जाती है, तो आपको ध्यान रखना ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है बॉटनी वर्ल्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, बॉटनी वर्ल्ड ये जो है, ये जो बॉटनी वर्ल्ड है जिसमें आप पौधों के बारे में पढ़ते हो, तो बॉटनी वर्ल्ड इनमें से कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या फिर फ्रेंच? बॉटनी आपको ध्यान रखना है ये ग्रीक वर्ल्ड है, और इसका जो ग्रीक वर्ल्ड है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोटावन, मतलब इंग्लिश में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो बोटेन बोलते हैं, ठीक है। बाद में इसको बॉटनी कर दिया गया, वो एक अलग बात है। और बोटेन का मतलब क्या होता है? बोटेन का मतलब होता है पाश्चर, पाश्चर मतलब चारागाह। ग्रास तो आपको पता ही है घास, और फॉर्डर का मतलब चारा, ठीक है। तो ये सारे इसके मतलब होते हैं, तो जिसमें आप स्टडी करते हो पौधों के बारे में। तो ये जो बॉटनी वर्ल्ड है ये ग्रीक वर्ल्ड लिया गया है। इसी तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि ये जो एग्रीकल्चर वर्ल्ड है ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर वर्ल्ड लैटिन वर्ल्ड है, ये लैटिन वर्ल्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर, बॉटनी भी ध्यान रखना ग्रीक वर्ल्ड है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर लिटरेसी डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस या फिर संगणक यंत्र साक्षरता दिवस, ये किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, नहीं है, नॉट अ सर्च इंजन आपसे पूछ रहा है। बाइडू सर्च इंजन है, बाइडू का तो आप लोगों में से कई लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। बाइडू का नाम पता है क्यों नहीं सुना है? क्योंकि बाइडू चाइना यूज करता है, और पूरी दुनिया में आपको अचंभा होगा जानकर कि पूरी दुनिया में गूगल के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अगर कोई सर्च इंजन यूज किया जाता है तो वो बाइडू ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और चाइना गूगल जैसे अमेरिकन सर्च इंजन को यूज करना नहीं चाहता। इस वजह से बाइडू सेकेंड मोस्ट यूजिंग सर्च इंजन है पूरे वर्ल्ड में। याहू तो आपको पता ही है सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, वोल्फ्राम अल्फा बेसिकली ये सर्च इंजन नहीं है, ये क्वेश्चन इंजन है, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर इंजन है। वोल्फ्राम अल्फा जो है इसमें आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप कुछ स्पेसिफिक चीजें ही सर्च कर सकते हो। ये अपने आप में एक कंपनी है, इन्होंने एक अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाया हुआ है जहां पर आप कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हो वैसा आप इसमें नहीं कर सकते, याहू में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, बाइडू में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन,
बाय विच रेट जुडिशरी ऑर्डर टू डू ड्यूटी, आपसे कह रहा है ये कौन सी रेट है जिसके तहत न्यायपालिका आदेश देती है आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, मतलब न्यायपालिका बोलती है कि कृपया करके आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, प्लीज टू डू योर ड्यूटी, ये है मैंडमस, जिसको हिंदी में परमादेश रेट बोला जाता है। ये तब जारी करी जाती है जुडिशरी के द्वारा जब कोई सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, मतलब अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से ना कर रहा हो, तो जुडिशरी भैया उनके लिए मैंडमस जारी कर देती है और बोलती है कि ये हमारी तरफ से आखिरी आदेश है आपको कि कृपया करके आप अपनी ड्यूटी करें, कर्तव्यों का निर्वहन करें, कोई समस्या तो नहीं। बाकी क्यू वारंटो इसके लिए होता है जो कि किसी ऐसी पोस्ट को धारण कर रखा हो जिसने जिसके लिए वो डिजर्व ना करता हो। प्रोहिबिशन प्रतिषेध रिट, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कोई जुडिशरी काम कर रही है तो उसको रोकने के लिए सुपीरियर जुडिशरी क्या करती है, प्रोहिबिशन लेकर आती है। और हेबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति को, बंदी को हमारे सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। जिन लोगों को रिट में दिक्कत है वो लोग यूट्यूब पे सर्च मार लेना वरुण अवस्थी टाइप ऑफ रिट, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी आधे घंटे की, पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं बोलोगे जीवन में, ठीक है। तो पांचों रिट वहां पर मैंने आपको बताई हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। क्वेश्चन का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने कोई पब्लिक पोस्ट को धारण कर रखा हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब को ले रखा हो, जिसके वो योग्य ना हो, अगर ऐसा पाया जाता है तो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका कौन सी रिट जारी करेगी, क्यू वारंटो जारी करती है, अधिकार प्रच्छा जिसको बोलते हैं। मतलब ऐसा यह है कि सिंपली मान लीजिए कि किसी दिन आपके दोस्त ने आके बोला कि भाई मेरी तो नौकरी लग गई। कहा भाई नौकरी लग गई यार, अभी तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया। भाई मुझे पता है मेरी नौकरी लग गई है। मैंने कहा यार अच्छा हो गया यार, आपको लग रहा था मजाक कर रहा है, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो आपका नहीं हुआ, उसका हो गया, आपका दिमाग ठनक गया, ये क्या हो गया। कुछ टाइम के बाद क्या ठीक है, इसका मतलब आप परेशान हो गए, आपको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोचा है। अब इस केस में आगे चल के वही हुआ, जैसे ही सरकार बदली, मान लो इंक्वायरी बैठ गई और पता लगा कि भैया कुछ लोगों ने पैसे देकर भर्ती ली थी, उसमें आपके दोस्त का भी नाम है। अब इस केस में क्या होगा, जुडिशरी उसको क्यू वारंटो दे देगी कि भाई साहब आपने जो पोस्ट ले रखी है आप उसके लायक नहीं है, कृपया करके आप इसको खाली करिए तुरंत। ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में, हो चुका है ऐसा। 1 KB इज इक्वल टू हाउ मच, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है, 1 KB इनमें से किसके बराबर है, 1024 बिट बाइट MB या निबल। देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है बिट, बिट के बाद आपकी आती है बाइट, ठीक है, बाइट के बाद आपकी क्या आती है, फिर आएगी आपकी KB, फिर आएगी MB। जो आपकी बाइट होती है, एक बाइट आपका किससे मिलकर बना हुआ है, एक बाइट आपका 1024 बिट से मिलकर बना हुआ है, समझ गए। तो जाहिर सी बात है 1024 जब बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, और जब 1024 बाइट मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 KB बनेगा, ठीक है। तो यहां पर 1 KB तो पूछ रहा है, तो 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट। और निबल पता है क्या होता है, एक बाइट में 2 निबल होते हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1 byte इज इक्वल टू 2 निबल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 byte / 2 इज इक्वल टू 1 निबल। मतलब कहने का कि एक बाइट में आपकी, माफ करिएगा, 1000 bit मैंने यहां पर लिख दिया, इनको कर दीजिए 8 bit, ठीक है, 8 bit मिलकर 1 byte बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 byte / 2 इज इक्वल टू 1 निबल है। तो 1 byte की वैल्यू कितनी है, 1 byte की वैल्यू है 8, 8 bit है ना, तो बटे 2 कर दो तो 1 निबल कितने का हुआ, 4 bit का हुआ, ठीक है। मतलब कहने का कि जैसे 1 byte आपका 8 bit से मिलकर बनता है, उसी तरीके से 1 निबल आपका 4 bit से मिलकर बनता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 byte में 2 निबल होते हैं। सिंपली समस्या तो नहीं, दिमाग तो नहीं घुमा, बोलिए जल्दी से, अभी दिमाग तो नहीं घुमा, क्लियर है ना सारी चीजें। वो जो मैंने यहां पर बोल दिया था 1024, उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं है, अभी तो सब सेट है ना।
मनीष लखेरा का कहना है कि सर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तुरंत उठ के क्लास से बाहर चले जाइए, तुरंत उठ के चले जाइए, कोई जरूरत नहीं अपना टाइम वेस्ट करने की। मनीष जी बिल्कुल चले जाइए, मुझे आपका टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिल्कुल चले जाइए, टेंशन नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई समस्या तो नहीं आज तक, आगे बढ़ा जाए। अरे यार घूम गया है तो यहां पर देखो, एक बार फिर से देखो, यहां पर एक बार फिर से देखो, ध्यान देना आप। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। 1 बाइट इज इक्वल टू 1024 KB, माफ करिएगा 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, ठीक है। अब यहां पर 1024 KB अगर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 1 MB बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर 1024 MB ले आओगे तो मिलाकर क्या बन जाएगा, 1 GB बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है, यहां पर 1024 GB ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 1 TB बन जाएगा। समझ रहे हो सीक्वेंस क्या है, समझ रहे हो क्या सीक्वेंस है। 1 बाइट से उठाया, 1024 बाइट अगर आप लेते हो तो उसको 1 KB बनेगा, उससे 1024 KB मिला दिए तो 1 MB बन गया, 1024 MB मिला दिए तो 1 GB बन गया, 1024 GB मिला दिए तो 1 TB बन गया। कोई समस्या तो नहीं अभी। अब मैं सिंपली क्या कह रहा था कि 8 बिट मिलाकर 1 बाइट होते हैं। 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, 1 बाइट में 2 निबल होते हैं, कितने, 2 निबल। अब मुझे एक बात बताइए, 1 बाइट में 8 बिट हैं, ठीक है, तो 1 बाइट के अंदर 2 निबल हुए तो 1 निबल के अंदर कितने बिट होंगे। जाहिर सी बात है 1 बाइट के अंदर 2 निबल हुए ना, तो इसका मतलब इसका आधा ही तो होगा, तो 1 निबल के अंदर 4 बिट होंगी ना, बस यही तो मैं कह रहा था। अभी कोई समस्या, अभी कोई समस्या बताओ, बोलिए जल्दी से। कोई समस्या तो नहीं, धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है हाउ मैनी क्रोमोसोम्स पेयर आर इन ह्यूमन बॉडी, आपसे कह रहा है ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम के हमारी बॉडी में 23 पेयर होते हैं, कितने, 23 पेयर। आप में से कई सारे लोग गलती करते हो 24 लगाकर, 23 पेयर का मतलब टोटल कितने होते हैं, 46, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम पता है क्या होते हैं, ये एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, जो पेरेंट से प्रॉपर्टीज चाइल्ड में जाती हैं। जैसे कि आप अपने मां बाप के बच्चे हो तो आप में जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके मां बाप की ही तो आएंगी। कल को आपका बच्चा होगा तो उसमें प्रॉपर्टी अमरीश पुरी की थोड़ी आ जाएंगी, उसमें आपकी ही प्रॉपर्टी तो जाएंगी और आपकी वाइफ की प्रॉपर्टी जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती है जो कि पेरेंट से बच्चे में जाती है वो क्रोमोसोम के ही थ्रू जाती है। तो कहने का मतलब ये 46 तरीके के बायोटिक एट्रीब्यूट होते हैं जो कि आपसे आपके बच्चे में प्रॉपर्टी जाती है, या फिर आम भाषा में आप ये समझ सकते हो कि 46 तरीके की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिराइव्ड होती हैं आपकी बॉडी से आपके बच्चे में, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जो आप लोग यहां पर 24 लगा देते हो, ये 24 पता है किसमें होते हैं, ये ऐप में होते हैं, बंदरों में या फिर चिंपैंजी में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चिंपैंजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आपका आंसर होगा 24 पेयर चिंपैंजी में होते हैं, लेकिन इंसानों में 23 पेयर होते हैं। कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, आपसे कह रहा है सबसे पहली बार एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी। ये है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक 1928 में एक्सीडेंटली डिस्कवर कर ली थी, और इनके द्वारा डिस्कवर किए हुए एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। तो कई बार आपसे ये पूछता है कि पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी, आपका आंसर होगा फ्लेमिंग। कई बार ये पूछता है कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया, तो आंसर होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है प्लेग इज कॉज्ड बाय, प्लेग इनमें से किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंगी के द्वारा, वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। प्लेग
प्लेग हमेशा ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है. हु इज नोन एज वॉट इज नोन एज एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट. आपसे कह रहा है ये जो आपका कोकोनट होता है, कोकोनट में जो आप अंदर वाला हिस्सा खाते हो, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सीड कोट बोला जाता है, कंप्लीट सीड बोला जाता है, एंडोस्पर्म बोला जाता है, या फिर पेरिकार्प बोला जाता है. जो आप व्हाइट वाला हिस्सा खाते हो उसको एंडोस्पर्म बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म. ये क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, लेकिन काफी पुराने टाइम पे. अभी तो एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कई सारे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. द इंपॉर्टेंट शुगर इन हनी इज, आपसे कह रहा है हनी जो होता है, जो शहद होता है, उसमें जो शुगर होती है उस शुगर को क्या बोलते हैं? वो कौन सी शुगर होती है? शुगर भी तरह तरह की होती है ना, तो आपका शहद में कौन सी शक्कर पाई जाती है जिसकी वजह से उसका मीठापन होता है? ध्यान रखिएगा फ्रुक्टोज पाई जाती है, फ्रुक्टोज. अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज इन व्हाट. पीने वाले पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है. आप में से कई लोग कॉलोनियों से बिलोंग करते होंगे, जो लोग भी आप लोग कॉलोनी वगैरह में रहते होंगे वहां पर टंकी में जरूर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है पीने वाले पानी में, ठीक है, उसको साफ करने के लिए. तो आपसे कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का ये जो यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में एज अ व्हाट, किस तरह कैसे यूज किया जाता है? तो ये क्या करता है, ये उसके बैक्टीरिया और जर्म्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है. इसको उस केस में बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट. क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट. मतलब कहने का है कि जो चीजें आपको अफेक्ट कर सकती हैं उन अफेक्टेड करने वाली चीजों को यह हटा देता है, मतलब नेगेटिव टर्म्स को यहां से हटा देता है, जर्म्स वगैरह को डेड कर देता है. अगला क्वेश्चन है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई. काला आजार जो बीमारी है ये इनमें से किस तरीके की मक्खी या मच्छर से होती है? हाउस फ्लाई घरों में उड़ने वाली मक्खी, या फिर सेस्ट फ्लाई, या फिर मॉस्किटो मतलब नॉर्मल मच्छर, और या फिर सैंड फ्लाई. तो ध्यान रखना है आपको काला आजार सैंड फ्लाई से होता है, सैंड फ्लाई के काटने से होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लेबोटोमाइन. क्या बोलते हैं? फ्लेबोटोमाइन. साइंटिफिक टर्म में इसको फ्लेबोटोमाइन बुलाता है. इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को ड्रेन फ्लाई भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ड्रेन फ्लाई. ड्रेन फ्लाई. कोई समस्या तो नहीं आता किसी को भी? कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंडिस इज अ डिजीज विच एफेक्ट्स. आपसे कह रहा है ज्वाइंडिस, ज्वाइंडिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी बॉडी में किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है. ज्वाइंडिस लीवर को अफेक्ट करता है, जिसको आप हिंदी में पीलिया भी बोल देते हो, आंखों में पीलापन आ जाता है. ये बेसिकली आपके लिवर को अफेक्ट करता है. और अगर आपसे पूछता है विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये लीवर है. अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज. जो वॉशिंग सोडा होता है, जो धोने वाला सोडा होता है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर फास्फोरस. आंसर करना चाहोगे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लगातार एसएससी पूछता ही रहता है, सीएचएसएल सीजीएल हर जगह पूछ चुका है. वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है? चलिए 50-50 कर दूं, 50-50 भी नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्योंकि ये कुछ लोग बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं, कुछ लोग कार्बोनेट बोल रहे हैं. बाय द वे ध्यान रखिएगा, जो लोग कार्बोनेट बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे. सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा को. और जो लोग बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं, ठीक है, वो बेकिंग सोडा होता है, ध्यान रखिएगा. ओके, अब आप समझ लीजिए कैसी स्थिति है. स्थिति बड़ी गंभीर है ना. उसके बाद आके डिसलाइक मारेंगे धर से और उसके बाद चले जाएंगे. उसके बाद कहेंगे सर क्वेश्चन तो आते नहीं है. बेटा क्वेश्चन पढ़े भी हैं तब तो आएंगे क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रखे. इतिहास गवाह है कि भैया 8-8 साल 10-10 साल तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है जिन स्टूडेंट का, उनकी यही स्थिति है. कि आप तो चलो ठीक है अभी आए हो तैयारी करने, इनकी स्थिति वही है. ये 7-8 साल तक तैयारी करते रहेंगे और इनको ये भी नहीं पता होगा कि वॉशिंग सोडा कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है. यही सबसे बड़ी दिक्कत है. और उसके बाद जाके किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी को डिफेम करेंगे, यहां पे आके कुछ बोलेंगे. तो ऐसा है ना, एक ही बात बोलूंगा, पता है क्या, ये कपड़ा और वजन बहुत मेहनत से आया है.
और सुल्तान से लड़ना हो तो सुल्तान बन गई लड़ना, लेकिन अफसोस पता है क्या है, सुल्तान सिर्फ एक ही है। तो ध्यान दो वहां पर जहां से काम बनेगा, ऐसे तो यार कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों पर, छोटी छोटी, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके आ रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? कोई तो समस्या होगी ना, कोई समस्या होगी ना, उसको एक्सेप्ट करो यार, एक्सेप्ट ही नहीं करना है उसे। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉट? आपसे कह रहा है पेशाब का रंग जो पीला होता है ये किसकी वजह से होता है, बताइए बताइए जल्दी से। पेशाब का रंग जो होता है ये पीला किसकी वजह से होता है, आंसर करिए जल्दी से। बाइल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, लिम्फ की वजह से, या यूरोक्रोम की वजह से? पेशाब का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम को अफेक्ट क्या करता है? आपकी डाइट अफेक्ट करती है, आप जो भी खाते पीते हो वो यूरोक्रोम का अफेक्ट करता है। तो बेसिकली आपने भी कई बार जज किया होगा कि आपकी जैसी डाइट होगी वैसा यूरिन का कलर हो जाता है। तो यूरिन का कलर अफेक्टेड आपकी डाइट करती है, आपकी डाइट बेहतर है तो यूरिन में कलर नहीं आएगा, और अगर डाइट बेहतर नहीं है, कभी कभी पानी की कमी हो जाती है, तो उस केस में आप देखते हो येल्लोइश हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। इसी को यूरोबिलिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, आपसे कह रहा है बेकिंग सोडा को और क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हैं। वॉट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी? आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों होते हैं, आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होता है, 1:600 या फिर 601 या फिर 1:1000 या फिर 501? देखो अगर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिले, हमेशा ध्यान रखना पहली चीज तो कि आरबीसी ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है, ठीक है? तो जो आप खारिज कर सकते हो वो आप ये हटा सकते हो और ये हटा सकते हो। आरबीसी ज्यादा होंगी, डब्ल्यूबीसी कम होगी, तो जाहिर सी बात है या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। हमेशा ध्यान रखना ये 6:1 डब्ल्यूबीसी होता है, मतलब आपकी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में 1 WBC के बराबर 600 आरबीसीज होती हैं। कितनी? 600 आरबीसीज। वैसे आप गूगल करोगे इसको तो पता है आपको क्या मिलेगा? गूगल करने पर आपको ये मिल जाएगा डेटा 1। तो अपनी सोच से वहां पर काम लेना, अपने विवेक से काम लेना। अगर आपको ये दिया रहे ऑप्शन में तो इसी को टिक करना, गूगल वाले को मत लगाना टिक, क्योंकि किताबों में हर जगह पर इतने सालों से, बीसियों तीसियों सालों से यही चीज छपी हुई है और यही वही डेटा है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, गूगल में पता नहीं क्यों 1000 पे 1 दिखाने लगा है, तो इसके चक्कर में मत पड़ जाना। अगर ये ऑप्शन में ना हो 6:601 तो फिर ये लगाना। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, गूगल करके देख लेना आपको यही दिखेगा, लेकिन किताबें जब आप पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा, आपको 1000 का डेटा दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डिसीज लाइक कैंसर इज नोन एज, आपसे कह रहा है कैंसर जैसी जो डिसीज होती है उनकी जब आप स्टडी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? जब पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसको कौन सी डिसीज हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है पर्टिकुलर व्यक्ति को? पागल कुत्ता जिसको काट लेता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब समझते हो, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है? पानी से इंसान को डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? आपसे कह रहा है न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है, थोरियम, यूरेनियम, वाटर या फॉसिल्स? यूरेनियम का यूज किया जाता है और यूरेनियम रिच सोर्स माना जाता है किसका, न्यूक्लियर पावर का, ठीक है? अगर न्यूक्लियर पावर को हमें घटाना है तो हमें किसका यूज करना होता है, तो हमें लेड का यूज करना होता है। किसका? लेड का यूज। न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने के लिए लेड का यूज किया जाता है, और रेडिएशन बढ़ाना है तो यूरेनियम का। नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, आपसे कह रहा है इंसान में, मानव में हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, कितने दांत रिप्लेस होते हैं? ध्यान रखिएगा 20 दांत रिप्लेस होते हैं, क्योंकि बच्चों में 20 दांत का प्रावधान होता है और बड़ों में, एडल्ट में 32 दांत होते हैं। तो
तो जो 20 दांत होते हैं उनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, दूध के दांत भी बोला जाता है, वही आपके रिप्लेस होते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा दांत होता है जिसको विजडम टूथ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जरा, विजडम टूथ किसको बोलते हैं, किस दांत को? आंसर करिए जल्दी से, विजडम टूथ किसे बोलते हैं? जल्दी से बताइए, कोई आंसर नहीं आया अभी तक। चले मैं और वेट कर रहा हूं। मोलर या प्री मोलर? मोलर या प्री मोलर, सोच कर जवाब देना। लास्ट मोलर को बोलते हैं, ठीक है, लास्ट मोलर को, प्री मोलर को नहीं बोलते हैं, लास्ट मोलर को, बिल्कुल पीछे वाली दाढ़ को, ठीक है, उसी को हिंदी में अकल दाढ़ भी बोला जाता है, विजडम टूथ इसी को बोलते हैं। और आपकी ये जो जीभ होती है इसमें कितने बड़ होते हैं? जीभ, ये जो टंग होती है इसमें कितने बड़ होते हैं? चार तरीके के बड़ होते हैं हमारी जीभ में। ये जो सबसे आगे जो बड़ होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये आपके स्वीट बड होते हैं। कौन से? स्वीट बड। ये आपको मीठे का टेस्ट देते हैं, ठीक है। बोलते नहीं है कि जबान लपलपा रही है यार, मन कर रहा है मिठाई मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, मतलब ये जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है ये स्वीट के बारे में आपको बताता है, आपको जो मीठा टेस्ट आ रहा है यही देता है। आपकी जीभ के ये जो साइड वाले हिस्से होते हैं ये आपको सॉल्टी टेस्ट देते हैं, सॉल्टी, ठीक है, ये वाले, इनसे आपको नमक का अंदाजा लगता है। और जीभ के जो बीचों बीच वाला जो पोर्शन है ये आपको सोर का टेस्ट देता है, मतलब खट्टा। तभी आपने देखा होगा आप हाजमोला वगैरह खाते हो तो आप यूं करते हो, अचानक से करना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, जैसे हाजमोला खाई ऐसा करते हो ना, ये एक्चुअली उसी टाइम पर ये जो आपकी जीभ का जो बीच वाला हिस्सा होता है ये ऑटोमेटिक ऑपरेशनलाइज्ड हो जाता है, ये तुरंत ही अपने आप एक्टिव हो जाता है और तुरंत जाके आपके ऊपर वाले फ्लोर से टच कर जाता है, जिसकी वजह से आवाज निकलती है। ओके, तो क्योंकि यही आपको खट्टे का टेस्ट देता है। और आपकी जीभ के पीछे वाले ये जो हिस्सा होता है ये होता है आपका बिटर, बिटर बड होती है, मतलब ये आपको तीखे का एहसास कराता है, कड़वे का एहसास कराता है। आपको पता है ना ही आपको मीठा बहुत देर तक एहसास होता है, ना ही सॉल्टी बहुत देर तक एहसास होता है, पानी पी लो सॉल्टी भी खत्म हो जाता है, ना ही खट्टा एहसास देता है बहुत देर तक। जो आपको सबसे ज्यादा देर तक एहसास देता है वो कड़वा एहसास देता है। आप जब भी तीखा खाओगे तो पानी पी लेने के बाद भी आप यूं करते हो यार अभी भी मिर्च लग रही है, ऐसा लग रहा है रसगुल्ला मिल जाए, है ना। तो ये इस वजह से, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ये यहां पर गले के पास होती है, इस वजह से यहां पर आप पानी पीते भी हो ना तो पानी रुकता नहीं है, पानी सीधे नीचे चला जाता है, यहां पर आप पानी को रोक लेते हो, इस वजह से क्या होता है डाइल्यूट हो जाता है आपका टेस्ट, यहां का टेस्ट डाइल्यूट नहीं हो पाता जल्दी, इस वजह से ये काफी देर तक काम करती रहती है। अगला क्वेश्चन है, विस सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। कॉटन की खेती के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है? कॉटन की खेती के लिए रेगुर मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, इसी को ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, काली मिट्टी इसी को बोला जाता है। और काली मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? ये आपकी इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में, ऊपर गुजरात वाले रीजन में, और इधर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात, और ये हो गया वेस्ट बंगाल। इन तीन जगहों पर काली मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कॉटन की खेती भी सबसे ज्यादा यही होती है। और भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है पूरे भारत में? या फिर आपसे ऐसा बोलेगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अलेवियल सॉइल। 42 से लेकर 44% एरिया में अलेवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया? आपसे कह रहा है भारत का इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वेस्ट जमीन पड़ी हुई है, मतलब जिसका यूज नहीं है, ध्यान रखना यह है राजस्थान। कितने प्रतिशत? 18% वेस्ट लैंड है, 18% करीब वेस्ट लैंड है राजस्थान में। जाहिर सी बात है वो किसकी वजह से? मरुस्थल की वजह से, ओके, डेजर्ट की वजह से। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? श्वेत रुधिर कणिकाएं, या फिर जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, इनकी लाइफ स्पैन कितने होता है? वैसे हम लोग बोलते हैं ऑन एन एवरेज 4 दिन होता है, ठीक है। अब 4 दिन के हिसाब से यहां पर देख लो, यहां तो रेंज दे रखी है ना, और जहां पर भी लिखा रहेगा 2 से 4 दिन बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं,
इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, एक से एक दिन की तो नहीं होती है, इसको भी हटा दो आप, ठीक है। यही हमारा सही आंसर है। दो से चार होती है, दो से पांच लिख दिया तो भैया ठीक है, उसी को अप्रोप्रिएट मान लेंगे। वैसे WBC की लाइफ मैक्सिमम 4 डेज होती है, ओके। और RBC की लाइफ कितनी होती है? RBC की 120 दिन होती है लाइफ, 120 डेज। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट इज वॉट। आपसे कह रहा है मानव मस्तिष्क जो होता है, जो हमारा दिमाग होता है, इसका वजन कितना होता है? हमारे दिमाग का वजन करीब करीब होता है, ध्यान रखिएगा, 1280, माफ करिएगा, 1280 से लेकर 1350 ग्राम, ये ऑन एन एवरेज होता है, ठीक है। अब किसी का कम ज्यादा तो होता रहेगा ना, टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना। तो यहां पर आप देख लो, यहां पर आपका जो अप्रोप्रिएट पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है, ओके, सेकेंड वन इज द राइट आंसर, 1280 से 1350 ग्राम के बीच में। और अगर पूछे हार्ट, हार्ट हृदय का वेट कितना होता है, तो इसमें ये वाला सीधे कंसेप्ट हटा दीजिए, मतलब 1 किलो सीधे कम कर दो, 280 ग्राम से 350 ग्राम कर दो, समझ गए। दोनों तरफ एक एक हटा दो, एक एक किलो हटा दिया, 280 से लेकर 350 ग्राम, ये हार्ट का हो गया और ये ऊपर ब्रेन का हो गया, मानव मस्तिष्क का। किसी का एतबार करे भी तो क्या करे, अपनी आंख का आंसू अपना ना हुआ। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, गोदावरी, नर्मदा, यमुना या फिर गंगा। गंगा, गंगा बेसिन में कितनी नदियां आती हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 20 नदियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लैंड लॉक्ड सी। इनमें से कौन सा एक लैंड लॉक्ड सी है, कैरेबियन सी, आराल सी, रेड सी या फिर साउथ चाइना सी। रेड सी तो आपका नीचे की तरफ अरेबियन ओशियन से मिला रहता है, ठीक है। साउथ चाइना भी आपका पूरे नीचे मिला हुआ है, इंडियन ओशियन से आके वो मिल जाता है। इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, कैरेबियन ओशियन तो चारों तरफ से खुला हुआ है, इसको भी हटा दीजिए, आराल सी। प्रॉब्लम पता है क्या हुई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको जब बच्चों वाला क्वेश्चन बना के देता है तो आपको दे देगा मेडिटेरेनियन सी। क्या लिख देगा? मेडिटेरेनियन सी, मतलब कहने का भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का नाम ही है इसी वजह से क्योंकि भूमध्य चारों तरफ से भू से ढका हुआ है, भू मतलब जमीन से, धरती से ढका हुआ है, इस वजह से उसको भूमध्य सागर बोलते हैं। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसकी ईस्टर्न रेंज की तरफ पड़ता है आपका आराल सी, तो आराल सी एक तरीके से मेडिटेरेनियन सी का ही हिस्सा है, इस वजह से यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट हु साइंड द शिमला एग्रीमेंट इन 1972। आपसे हमेशा पूछता रहता है कि शिमला एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, यह तो क्वेश्चन हो चुका। अब यह बताइए कि 1972 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पर पाकिस्तान के कौन से ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने साइन किया था, कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। भाई करंट अफेयर एक दो दिन में आने लगेंगे, वैसे कल ही से आने लगेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं एक दो दिन, लेकिन कल ही से आने लगेंगे। आंसर करिए इसका, बिस्वजीत चौहान, हेमंत मीना, इमरान अली, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, मांझी आंसर सही आ रहे हैं, जो लोग भी फोर्थ आंसर कर रहे हैं उन सभी के आंसर सही है, ये है जुल्फिकार अली भुट्टो। और भारत की तरफ से साइन किसने किया था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने भारत की तरफ से साइन किया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कल की क्लास में, क्या आप बताओगे, पहली बार आजादी के पहली बार आजादी के बाद 1947 के बाद पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई थी, ध्यान रखिएगा, 1977 में मेजोरिटी में नहीं आई थी पहली बार। नेम द कमांडर ऑफ अरब आर्मी हु कंक्वर्ड सिंध। इनमें से कौन सा अरब आर्मी का कमांडर था जिसने सिंध को जीता था या सिंध को लूटा था? तो यह है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, 712 AD, ठीक है, इसने सिंध को लूटा था। हु पायनीर्ड खिलाफत मूवमेंट। आपसे कह रहा है खिलाफत मूवमेंट को भारत में लीड किसने किया, सैयद बंधुओं ने, महात्मा गांधी ने, अली बंधुओं ने या फिर मौलाना आजाद ने। खिलाफत मूवमेंट अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था और इसको चलाने वाले कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों लोग थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था भारत में। 1920 से ये मूवमेंट चलना शुरू हुआ था और 1922 तक चला था।
खिलाफत मूवमेंट के दौरान एक ट्रीटी हुई थी टर्की में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीवर्स की ट्रीटी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सीवर्स ट्रीटी। इसी ट्रीटी के दौरान टर्की को दो हिस्सों में, तुर्क को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, क्योंकि मुसलमानों की एकता को खत्म किया जा सके। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था, और फाइनली खिलाफत मूवमेंट उसके बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि खलीफा के पद को वहां पे खत्म कर दिया जाता है। क्या बता सकते हो 1922 में आजादी का ये कौन सा मूवमेंट था जो कि खत्म हो गया? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जरा, 1922 में आजादी का कौन सा मूवमेंट खत्म हो गया, बताइए जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं, आंसर करिए। मुझे पता है आप लोगों तक लेट आवाज पहुंच रही है, बट मैं वेट कर रहा हूं, कोई नहीं। ये कौन है भाई? भूपी सिंह का कहना है, सर जी गॉड जी को नहीं देखा लेकिन आप दूसरा रूप हो। भाई मेरे ऐसे मत बोला करो, ऐसे बिल्कुल मत बोला करो। मैं पापी व्यक्ति हूं, तुच्छ सा अदना सा आदमी हूं, ठीक है? अगर भगवान मानना ही है तो सिर्फ माँ बाप को मानो, साक्षात भगवान वो होते हैं, उनकी सुनिए सिर्फ, और उनकी दुआएं लीजिए, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। और अगर उनके अलावा किसी की दुआएं लेनी है तो यार मेरे डॉगीज की दुआएं लिया करो, ठीक है? उनके लिए कुछ करना शुरू करो, देखो आप कैसे चढ़ते चले जाओगे मंजिलें, ठीक है? तो बेजुबानों की मदद करिए, बस यही रखा हुआ है जीवन में, और कुछ नहीं है। बड़ा भाई हूं बस उतना ही बना कर रखिए, आंखों में इज्जत आपके मिलती रहे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये जो दांडी मार्च वाले लोग हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज द राइट आंसर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है? असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था, ये भी 1922 तक चला था, ठीक है? ये क्यों खत्म हो गया यहां पर? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, और जिसकी वजह से वायलेंस हो गया था, पुलिस वालों को जला दिया गया था जिंदा पुलिस स्टेशन के अंदर, इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। और जो लोग दांडी मार्च बोल रहे हैं, भैया मेरे दांडी मार्च तो 1930 में हुआ था, कहां चले गए? 1922 की बात हो रही थी, अभी तक वो हुआ ही नहीं था, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी ग्रंथि है जिससे इंसुलिन का स्त्राव होता है या फिर इंसुलिन निकलता है? तो ये है आपकी पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है ये दो तरीके के हार्मोन्स को जनरेट करती है, एक तो इंसुलिन जनरेट करती है और दूसरी ग्लूकेगॉन जनरेट करती है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन क्या करता है, आप जितनी भी शक्कर खाते हो, आप शुगर खाते हो, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। भाई एक बात बताइए, आप इतनी जो शक्कर खाते हो उससे आपकी बॉडी को क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है ना, तो ये इंसुलिन ही कन्वर्ट कर रहा है उसको ग्लूकोज में, और वो ग्लूकेगॉन क्या करता है उसको स्टोर कर लेता है, और जब आपकी बॉडी को जरूरत होती है तब देता रहता है। आप देखते हो आपके घर में आपकी माता जी व्रत रहती हैं, तो वो सुबह शाम तक कुछ खा नहीं रही हैं, तो क्या वो चल फिर नहीं रही हैं? वो व्रत भी रहती हैं सुबह शाम तक, और चलती फिरती भी रहती हैं, आपसे बोलती भी रहती हैं, तो उस टाइम पर उनकी बॉडी में जबकि कुछ जा नहीं रहा है, कार्ब नहीं जा रहा, प्रोटीन नहीं जा रहा, तो वो कैसे चल फिर रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लूकेगॉन, क्योंकि ग्लूकेगॉन ने जो स्टोर कर रखा था ग्लूकोज वो उनकी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है? जैसे कि आप दौड़ते रहते हो तो आपकी बॉडी को ग्लूकेगॉन मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ओके? लेकिन एक टाइम के बाद वो भी खत्म होने लगता है, तो आपको लगता है नहीं अब मुझे कुछ ले लेना चाहिए, ड्रिंक ले लेते हो, प्रोटीन ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, ठीक है? इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया? क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है भारत के आजाद हो जाने के बाद भारत का यह पहला राज्य कौन सा है जहां पर पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार आई थी? तो ध्यान रखिएगा 1947 में भारत आजाद हुआ, और 1957 में पूरे 10 साल बाद पहली बार यह केरल राज्य था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, लोगों ने यहां की एक कम्युनल पार्टी को वोट दिया था, ठीक है? तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी रही थी आजादी के 10 साल बाद। मतलब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के अलावा लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था 10 साल तक। 1947 में हम आजाद हुए और 1957 तक हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, पूरे देश भर में कांग्रेस को ही जिताया जा रहा था, हर राज्य में और केंद्र में तो है ही। अगला क्वेश्चन, विच इज द वार्म ओशन करंट, इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है या फिर गर्म करंट है आप बोल सकते हो? लैब्राडोर ठंडी होती है,
ओयाशियो ठंडी होती है, कैनरी ठंडी होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है, ठीक है? तो यही आपकी वार्म करंट है। और क्या आप बता सकते हो भारत में कौन सी ओशियन करंट पाई जाती है? ये जो इंडियन ओशियन है हमारा, यहां पर कौन सी करंट है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए, मुझे बड़ी खुशी होगी। बताइए बताइए जल्दी से। इनका पूछना है, सर आप इतना कुछ कैसे याद रखते हो? जैसे आप उनका कांटेक्ट नंबर याद रखते हो, बस वैसे ही मैं याद रखता हूं। आप कैसे उनका कांटेक्ट नंबर याद रख लेते हो? आपको कैसे याद रहता है कि शाम को मेरे बाबू ने कुछ खाया कि नहीं खाया, सोना बाबू ने कुछ खाया कि नहीं खाया, सोना बाबू को कॉल करनी चाहिए थी 9 बजे, मैंने कॉल करी कि नहीं करी, मम्मी जल्दी से उठ के जाए तब मैं कॉल कर लूं, कैसे याद रहता है? बर्थडे याद रहता है उनका, रात में 12 बजे जैसे ही 12:01 पर सबसे पहला कॉल मेरा जाना चाहिए, ये सब कैसे याद रहता है? बस वैसे ही मुझे याद रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोहब्बत। मोहब्बत किताबों से जब होगी तो ये सब याद रहेगा, मोहब्बत उनसे होगी तो उनका डेटा याद रहेगा। ठीक है, मेरे साथ देखो यार क्या होता है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं दोस्तों के बीच में बहुत खराब दोस्त हूँ। उसका रीजन पता ही क्या है? मुझे यार किसी का बर्थडे ही नहीं याद रहता, और तो और मुझे मेरे घर में भी कई बार बर्थडे नहीं याद रहते किसी के। अब क्या करूं यार, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है यार, खुल के बोल रहा हूं, इसमें इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है तो मुझे ये सब याद नहीं हो रहा, इसमें गलत थोड़ी है कुछ। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जहां होता है आप वो काम करने लगते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूं, कभी आपने डॉगी को रोटी दे दी, कभी आपने उसको ब्रेड खिला दी किसी कुत्ते को, बढ़िया है, आपको फील गुड हुआ। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है आपको पार्टी में जाना है और पार्टी में जाते जाते या एक्साइटमेंट में आपको याद रहे कि आपको उसे आज भी रोटी देनी है? होंगे, लेकिन कम लोग होंगे आप में से ऐसे कि जिन्हें याद रहता हो। आप जब अपनी लाइफ जी रहे हो, आपके घर में 10 मेहमान आए हुए हैं, 10 दोस्त आए हुए हैं, या फिर आपको कहीं जाना है आज, या फिर कोई फेस्टिवल हो, तब भी क्या आपको डॉगीज के बारे में याद रहता है? मुझे याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में। इसलिए तो हमारी लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं वो हमें याद होती हैं। अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रख रहा है कि आपको कहां जाना है, आपको नौकरी निकालनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको याद होंगी चीजें, डेफिनेटली याद होंगी, विश्वास मानिए याद होंगी। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? ये कौन है भाई? नरेंद्र का कहना है एनिवर्सरी याद तो रहता होगा। भाई साहब यहां शादी नहीं, मेरी खुशी देख के लगता नहीं है कि थैंक गॉड ऊपर वाले ना बीवी दिए ना बच्चे दिए। ध्यान रखिएगा, ये है अगुलास करंट, अगुलास करंट, ठीक है? इनको हम लोग अगुलास करंट बोलते हैं। जो लोग भी अगुलास बोल रहे थे उनका आंसर सही है, इंडियन ओशियन में ध्यान रखिएगा अगुलास करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 एट विच प्लेस? आपसे कह रहा है 1920 में कांग्रेस के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पास किया गया था, यह कौन सी जगह में पास किया गया था? ध्यान है ना, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, तो कौन सी जगह में पास किया गया था? कलकत्ता में पास किया गया था, भूलना मत, कलकत्ता। डायर्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ विच ईयर? आपसे कह रहा है डायर्की का मतलब समझ रहे हो? डायर्की का मतलब दोहरा कानून, और यह अंग्रेजी सरकार ने कब लॉन्च किया था दोहरा कानून? 1919 के एक्ट के तहत यह दोहरा कानून लेकर आए थे, ठीक है? दोहरा कानून का मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, मतलब हम जैसे चाहेंगे जब चाहेंगे तब हम संशोधन कानून में कर देंगे, मतलब हम ही माई बाप है, हमारे अलावा कोई नहीं है, ये वाला सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन? स्किन मतलब त्वचा, त्वचा से इनमें से कौन सा एनिमल सांस लेता है? सांप, मेंढक, कछुआ या फिर मछली? ध्यान रखिएगा यह है मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग, ठीक है? मेंढक स्किन से सांस लेता है, मछली गलफड़ों से लेती है। कोई समस्या तो नहीं आ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हां, 1919 जलियांवाला बाग, बिल्कुल सही है आपका आंसर, जलियांवाला बाग बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन विच ईयर? आपसे कह रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई? इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना
1862 में करी गई, और आपको ध्यान रखना है कौन से एक्ट के तहत करी गई, एक्ट 1861 में कानून बना था और 1862 में तीनों हाईकोर्ट की स्थापना करी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और क्या आप बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत करी गई थी, 1773 के एक्ट के तहत, और कब करी गई, अगले साल 1774 में करी गई थी। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, तीनों हाईकोर्ट आपको ध्यान रखने हैं मेन, 1862 में स्थापना करी गई 61 के एक्ट के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, रैयतवाड़ी प्रथा जो थी इसको मद्रास में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमस मुनरो, इसने मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। रैयतवाड़ी प्रथा जो थी उसमें फालतू के कानून लाए गए थे लैंड को लेकर, जमीनों को लेकर, मतलब किसानों की जमीनों पर, ठीक है, जो जमीनें बंजर होती जा रही हैं वो अंग्रेजी हुकूमत अपने नाम कर ले रही थी। बात आ रही है समझ? और साथ में देखिए दोनों हाथ से लड्डू बनाना किसको कहते हैं। एक है नया कानून लेकर आए, इन्होंने कहा कि जिसकी जमीनें बंजर होती जाएंगी उन बंजर जमीनों को हम 10 साल के लिए ले लेंगे, और 10 साल के लिए लेने के बाद उसके बाद हम उस पर खेती करेंगे, और उसके बाद आपकी जमीन को हम फर्टाइल करके फिर से वैसी बनाकर आपको वापस कर देंगे। कैसा होना था, 10 साल के बाद तो इंसान की जिंदगी का पता नहीं होता है कहां चली जाएगी, वो भी जमीन का मामला। पहली चीज तो जिनकी जमीनें बंजर थी वो ले ली गई। दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, किसानों को बोल रहे थे कि आप इंडिगो की खेती करिए, आप नील की खेती करिए। अब किसान नील की खेती कर रहा है, उसको ज्यादा पैसे का फायदा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। किसान नील की खेती कर रहा है, नील की खेती करने पर क्या होता है, जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है कम होने लगती है, 2-3 फसल तो अच्छी उगेंगी, उसके बाद आपकी जमीन बंजर होने लगेगी। अब भैया जमीन बंजर हो जाएगी तो रैयतवाड़ी सिस्टम के थ्रू आप खुद ही ले लोगे, और आप जिनके पास जमीने हैं उनको आप नील की खेती करवा रहे हो, मतलब कहने का कि बंजर जमीने तो हम ले ही ले रहे हैं और जिनकी सही जमीन है उनको भी बंजर करवा दे रहे हैं। तो भैया ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था बिल्कुल काला सिस्टम था लैंड रेवेन्यू को लेकर, जिसको थॉमस मुनरो के द्वारा जारी किया गया था। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड ऑफ 19th century इन, आपसे कह रहा है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कूका मूवमेंट जो हुआ था ये इनमें से कहां पर हुआ था, वेस्टर्न पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर मध्य भारत में हुआ था। ये हुआ था वेस्टर्न पंजाब में कूका मूवमेंट, ठीक है। वेस्टर्न पंजाब का मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान की तरफ वाला पंजाब आज की डेट में जो है। तो यहां पर सिखों के खिलाफ आंदोलन किया गया था, और सिखों ने ये किसके खिलाफ आंदोलन किया था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसको कूका मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्ट होने वाले भारत के अकेले प्रेसिडेंट ये कौन है। तो आपको ध्यान रखना है ये है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ओके नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में कई बार पूछा जा चुका है। और अगर आपसे पूछता है यूएन में, यूएन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी में स्पीच देने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर बाई गांधी जी, महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सी किताब है जिसको उनकी माता बोला गया है, महात्मा गांधी ने इनमें से किस किताब को अपनी मां बोला हुआ है, अपनी जननी बोला हुआ है। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी जननी बोला हुआ है, ठीक है। और भगवत गीता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है ये कौन से लॉर्ड हैं जिनसे भगवतिज्म वर्ल्ड एसोसिएटेड है, ठीक है। तो भगवती वर्ल्ड आपका एसोसिएटेड है किससे, लॉर्ड कृष्णा से, भगवतिज्म लॉर्ड कृष्णा। ओके अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले ब्रिटिश चेयरपर्सन कौन थे या फिर ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूल। कांग्रेस की तो आपको बात ही पता है ना,
कांग्रेस के बारे में पता है ना, इतना तो ध्यान रखोगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई है। कांग्रेस की स्थापना कहां पर करी गई थी? बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी गई? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा करी गई। ये कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब देखिए इनके साथ कौन थे? इनके साथ दादा भाई नेहरूजी भी थे, दादा भाई नेहरूजी। तो देखिए दो तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कांग्रेस की स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। लेकिन अगर आपसे पूछता है कांग्रेस की स्थापना में किस भारतीय का हाथ था, तो आपका आंसर होगा दादा भाई नेहरूजी। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में होती है, तो 1885 से लेकर 4 साल तक अगले 4 मीटिंग होती है, 86, 87, 88। ये जो 4 मीटिंग होती है, इनके लीडर और प्लेस आपको ध्यान रखने हैं। पहली मीटिंग जो हुई थी ये बॉम्बे में ही हुई थी, दूसरी मीटिंग आपकी कलकत्ता में हुई थी, तीसरी मीटिंग आपकी मद्रास में हुई थी, और चौथी मीटिंग आपकी इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, जो पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, इसको लीड किया था व्योमेश चंद बनर्जी ने, ये इसके लीडर थे। कलकत्ता वाली के दादा भाई नेहरूजी लीडर थे। और जो तीसरी हुई थी मद्रास वाली, इसके बद्रुद्दीन तैयब जी लीडर थे। और जो चौथी हुई थी इलाहाबाद वाली, इसके जॉर्ज यूल थे। तो बात हो रही है इसकी, जॉर्ज यूल की। ठीक है, ये पहले इंग्लिश पर्सन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर आपसे पूछता है पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन प्रेसिडेंट थे, बद्रुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई है। और कौन से ईयर में करी गई? 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोगों में यूनिटी को बढ़ाना, और साथ में हमें जो भी व्यापार करना है, जो भी काम करना है, वो एकजुट होकर करना है। हम किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी सेक्टर में रहें, हम में एकता होना जरूरी है। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई। इन्हीं को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल लीडर भी कहा जाता है, यही महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, महात्मा गांधी से साउथ अफ्रीका में मिलने जाने वाले अकेले भारतीय कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, इन्हीं को महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ होम। महात्मा गांधी इनमें से किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे, मतलब प्रभावित थे? महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय को पढ़ते थे। किसको? लियो टॉलस्टॉय को। और महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपना आश्रम जहां बनाया था, उस जगह का भी नाम टॉलस्टॉय है। क्या नाम है? टॉलस्टॉय। वहां पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में फ्रेंड कौन था? पोलक। इसका नाम पोलक था, इस व्यक्ति का नाम। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, आपसे कह रहा है हमारे पूरे भारत में सबसे लंबा बीच कौन सा है। बीच की बात हो रही है, राज्य की समुद्र तट रेखा की बात नहीं हो रही है। अगर पूछेगा राज्य की समुद्र तट रेखा की, तब तो गुजरात है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है बीच की, सी बीच। ठीक है, तो यह है आपका मरीना बीच। मरीना बीच कहां पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। और जो ये आपका मरीना बीच है ना, लगभग 12 किलोमीटर एरिया कवर करता है, आप समझ लो कितना बड़ा बीच होगा। ठीक है, मरीना बीच भारत का सबसे बड़ा बीच है। विच स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है भारत का जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? यह है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है? 9 राज्यों से। ठीक है, वैसे 8+1 का कॉम्बिनेशन है, 8 राज्य 1 UT, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कोदई कनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन। कोदई कनाल नाम का एक फेमस हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? ये पलानी की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और पलानी की पहाड़ियां आपके कौन से प्लेटू के ऊपर है? ये डेक्कन प्लेटू के ऊपर आती है, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास इनमें से किसको किसको कनेक्ट करता है? ये जो जोजिला पास है ये किन दो जगहों को कनेक्ट करता है? जोजिला पास आपका कनेक्ट करता है JNK2 लद्दाख। ठीक है, जो कि आज की डेट में, पहले तो एक ही राज्य था लेकिन आज की डेट में अलग अलग यूटी हैं। अब आप देख लीजिए बेसिकली ये कहां से कहां तक कनेक्ट करता है। JNK में आपका श्रीनगर से, और श्रीनगर से ये ले जाता है कहां तक? लेह तक ले जाता है, यहां पर लद्दाख में। ठीक है, तो आपका
ले श्रीनगर इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक कनेक्ट करता है जो जिला पास। अगला क्वेश्चन है द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया इज इन, आपसे कह रहा है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है यह भारत में कौन सी जगह पर स्थित है, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा है वो इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप देख लीजिए मध्य प्रदेश मिल रहा है यहां पर, वेस्ट बंगाल जी हाँ बिल्कुल गुजर रही है, राजस्थान जी हाँ बिल्कुल गुजर रही है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो फोर्थ वन इज अवर आंसर, यहां से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। कोई समस्या तो नहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ऑल सेट। अभी भी किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है ना, अभी भी किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है तो यहां आ जाओ मेरे पास, मुर्गा बना के पीडीएफ दूंगा। अरे पागलों, पीडीएफ पड़ी हुई है ऑलरेडी, दे रखी है अभी कुछ टाइम पहले, तुम लोगों को सारे वीडियो तो देखने नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करना होता है, तो पीडीएफ कौन से वीडियो में दी हुई है ये अब जाके देखना तुम लोगों का खुद का काम है। ये मैंने हिंट दिया है, अब मैं वीडियो नहीं बताऊंगा, जाके देखो लाइव आके मैंने बोला हुआ है और वहां पे पीडीएफ अभी भी पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा स्लोगन दिया हुआ है, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया स्लोगन था, ठीक है। लोग यहां पर गलती कर देते हैं, भगत सिंह, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद बोला था लाहौर जेल के अंदर, वहां पर नारे लगाए थे, लेकिन मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया हुआ है यह स्लोगन, गलती यहीं पर हो जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसके द्वारा कहा गया है बताइए, पूछता है आपसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आंसर करिए, आंसर करिए जल्दी से। हाँ, इनको सिर्फ पीडीएफ ही मांगना आता है, ये जीवन भर पीडीएफ ही मांगते रहेंगे। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है बेटा, कुछ लोग कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, क्या होगा इस देश का, क्या होगा भैया, बड़ी बुरी स्थिति है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। एक और आपसे पूछता है, मारो फिरंगी को, ये किसने कहा था, ये कहा था मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी को, ठीक है। एक नारा दिल्ली चलो किसने दिया, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था यह नारा, दिल्ली चलो, ठीक है। Which British person admitted the revolt of 1857 as a national revolt? आपसे कह रहा है ये कौन सा ब्रिटिश पर्सन है जिसने 1857 की क्रांति को नेशनल रिवोल्ट डिक्लेयर दिया किया था, ये है बेंजामिन डिजराइली, बेंजामिन डिजराइली। चलिए एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता 1857 की क्रांति से आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कई बार कि 1857 की जो क्रांति थी ये हमारे नेशनल इंडिपेंडेंट मूवमेंट का पहला मूवमेंट था, या फिर यहीं से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, आपको पता है ना ये बात, कहा किसने ये बताओ मुझे, ये किसने कहा है, आप हजारों बार सुन चुके हो, ये किसने कहा है अब ये बताओ। जल्दी से बताइए, आशुतोष कुमार बहुत बढ़िया, केवल आशुतोष का आंसर सही है, बाकी किसी का आंसर सही नहीं है, यह है वीडी सावरकर, बहुत बढ़िया आशुतोष, क्या बात है, वीडी सावरकर के द्वारा यह कहा गया है 1857 की क्रांति को पहला इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, द कम्युनल इलेक्ट्रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आपसे कह रहा है भारत में पहली बार कम्युनल इलेक्शन कब कराए गए थे, कम्युनल इलेक्शन पहली बार 1909 में कराए गए थे, और 1909 में
मार्ले मिंटो बिल आया था। क्या आया था? मार्ले मिंटो बिल। ये जो मार्ले मिंटो बिल आया था, इसी के तहत कम्युनल इलेक्शन कराने का प्रावधान था। ब्रिटिशर्स इतने बड़े वाले थे, ये क्या ही बोला जाए, इन्होंने देखा कि अब भारत की अखंडता को चूर चूर करना है, तो एक काम क्यों ना किया जाए, हिंदू मुस्लिम में फूट कैसे डाली जाए। तो इन्होंने कहा कम्युनल इलेक्शन करा देते हैं। इन्होंने कहा अब से हम एक कानून ऐसा ला रहे हैं जिसका मतलब यह होगा कि ऐसा एरिया जहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, वहां से नेता सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही चुने जाएंगे, मतलब हिंदू ही इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे, और ऐसे एरिया जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां पर सिर्फ लीडर मुसलमान ही खड़े हो पाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू बहुल एरिया में मुसलमान जो थे, मुसलमान इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हें लगा कि यहां पर तो हिंदू नेता होगा, और हिंदू नेता हमारे भले की कैसे सोच सकता है। और जो मुसलमान बहुल एरिया में जो हिंदूस थे, वो इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हें लगा कि मुसलमान अगर नेता केवल खड़े हो सकते हैं, हम तो यहां पर लीडर भी नहीं बन सकते, तो फिर हम यहां पर इनसिक्योर हैं, वो तो अपने ही बारे में सोचेंगे। और देखते ही देखते कम्युनल इलेक्शन को कंडक्ट करा दिया गया, और हिंदू मुस्लिम एकता चूर चूर होती हुई दिखाई दी भारत में पहली बार 1857 के बाद से। ये पहला ऐसा मूवमेंट था, मार्ले मिंटो बिल। मार्ले मिंटो बिल को ही पाकिस्तान की नींव बोला जाता है। ये बोला जाता है कि मार्ले मिंटो बिल की ही वजह से, जिस दिन मार्ले मिंटो बिल आया था, उसी दिन से पाकिस्तान जो बना है उसके ताबूत की पहली कील थी है। और आखिरी कील तो आपको पता ही है, जब जिन्ना ने मांग लिया था पाकिस्तान, वो तो था ही। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा बनाया गया है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा बनाई गई है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां है? कहां है? बिहार में है। कहां पर? बिहार में। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब बनाई थी धर्मपाल ने? 1193 में। ओके, जब मोहम्मद गोरी यहां पर बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकेंड दोनों कर चुका था, और 1194 में उसने बैटल ऑफ चंदावर किया था जयचंद से, उस टाइम के बीच की बात है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? गुलाम वंश का आखिरी शासक था कैमूर्स। कौन था? कैमूर्स। और सेकेंड लास्ट था कैकुबाद। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश कब से कब तक था? ये 1206 से लेकर 1290 तक था गुलाम वंश। क्या आप बता सकते हो गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था? कौन सा शासक था जिसने रक्त और तलवार की नीति ऑप्ट करी थी? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर, किस शासक ने रक्त और तलवार की नीति ऑप्ट करी थी गुलाम वंश के? आंसर करिए जरा। गुलाम वंश का मैंने पूछा आपसे कौन सा शासक था जिसने रक्त और तलवार की नीति ऑप्ट करी थी। बहुत बढ़िया, बलबन। बलबन बिल्कुल सही, सभी के आंसर सही है। ये था गयासुद्दीन बलबन। द टू स्टेट्स विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937 वर। 1937 के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत से मांग करी थी कि अब हमें इलेक्शन कंडक्ट करा लेने चाहिए, क्योंकि भारत की जनता अब आपको दिखा देगी कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत चाहते हैं या हम लोग अपनी पार्टी चाहते हैं। तो वहां पर जब इलेक्शन हुए थे 1937 के, उसमें एक कौन सी दो जगह थी या फिर कौन से दो ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी? यह है बंगाल और पंजाब। यहां पर लोकल पार्टीज को लोगों ने जिताया था, बंगाल और पंजाब में। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। जिसने पढ़ा नहीं होगा वो तो तुक्का भी नहीं लगा सकता, क्योंकि बंगाल और पंजाब आप सबसे ज्यादा सुनते हो, और तुक्का तो कतई नहीं लगा पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, यहां पर सिक्का थोड़ा सा पलट हो गया था कांग्रेस का, बंगाल और पंजाब। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स 1600 में भारत आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो पहला जहाज भारत की तरफ आया था, क्या था इसका नाम, जिस जहाज में ब्रिटिशर्स बैठ कर आए थे? यह था रेड ड्रैगन। क्या था? रेड ड्रैगन इस जहाज का नाम था जिसमें ये पगले बैठ कर आए थे भारत। अगला क्वेश्चन, अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट
ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर शाह आलम सेकेंड। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है इनमें से किस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश कंपनी को दीवानी राइट मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुगल शासक शाह आलम सेकेंड से इन्होंने, या फिर दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं, ब्रिटिशर्स ने मुगल शासक शाह आलम सेकेंड से कौन सी ट्रीटी के तहत ये तीनों जगह ले ली थी अपनी गिरफ्त में, बताइए, ट्रीटी ऑफ अवध, अलीनगर, कलकत्ता या इलाहाबाद। कुछ लोग अवध वाले हैं और कुछ लोग इलाहाबाद वाले हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों रीजन ले लिए थे। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद जुडिशरी, इनमें से कौन सा आर्टिकल जुडिशरी से एसोसिएटेड है, 338, 226, 108 या फिर 40। 338 कोई बता सकता है क्या है, वॉट इज 338, वॉट इज 338, आंसर कर सकते हो, वॉट इज 338। आर्टिकल 338 क्या है, आंसर करिए जल्दी से, आर्टिकल 338। नहीं पता है, नहीं पता है, हाँ कुछ लोगों को पता है, देखें यहां पर आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास राइट है कि वो फंडामेंटल राइट में डिसीजन दे सकता है। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है, पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग। और आर्टिकल 40 हमें बताता है डीपीएसपी के तहत पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो आप देख लीजिए, पंचायती राज सिस्टम नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं, हाई कोर्ट जुडिशरी से एसोसिएटेड है ना ये, तो 226 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अधिकार रखता है कि वो आपको न्याय सुना सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट किए गए हैं तो। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत, ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट बुला सकता है ज्वाइंट सिटिंग को। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, लेकिन इस मीटिंग को लीड कौन करता है, स्पीकर इसको लीड करता है, राष्ट्रपति नहीं करेगा लीड, राष्ट्रपति सिर्फ बुला सकता है, लीड इसको स्पीकर करता है। विच इज कॉल्ड एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, इनमें से किस जगह को भारत की श्रिम्प कैपिटल बोला जाता है, मंगलौर, कोची, नीलौर या फिर नागापत्तनम, आंसर करिए, श्रिम्प कैपिटल मतलब झींगा राजधानी, झींगा का उत्पादन सबसे ज्यादा यहां पर कहां होता है, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर करिए जल्दी से, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, एनीबडी हु कैन टेल, नो नागापट्टनम नहीं है, चलिए ध्यान रखिएगा, यह है नीलोर, नीलोर को हम लोग श्रिम्प कैपिटल भारत की बोलते हैं, ठीक है, झींगा का सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है। और नीलोर कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इंडस नदी कहां से निकलती है, हिंदुकुश रेंज से, हिमालयन रेंज से, काराकोरम रेंज से या फिर कैलाश रेंज से, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता ना। और इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चेनाब है, कहां से निकलती है इंडस नदी, आंसर करिए जरा, इंडस नदी कहां से निकलती है, इंडस नदी कहां से निकलती है, मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अभी गर्त में चल रहे हैं, इंडस रिवर का बेटा सोर्स क्या है, बताइए जल्दी से, एनीबडी हु कैन टेल, अच्छा ग्लेशियर का नाम बता सकते हो, बहुत बढ़िया, जो लोग कैलाश रेंज बोल रहे हैं ठीक है, उन सभी का आंसर सही है, इंडस नदी जो है आपकी ये कहां से निकलती है, कैलाश रेंज से। अब मेरी तरफ से एक और चीज ले लीजिए, कैलाश रेंज में अगर पूछता है कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो इस ग्लेशियर को बोलते हैं बोखर चू, क्या बोलते हैं, बोखर चू,
बोकरचू नाम के ग्लेशियर से निकलती है जो कि माउंट कैलाश में है, इंडस नदी। गिरती कहां पर है ये? अरेबियन ओशन में जाके गिरती है, अरेबियन ओशन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? इसमें से उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है? वेदी, तमाशा, थोरा या फिर राउफ? वेदी, तमाशा, थोरा या फिर राउफ? चलिए 50-50 कर दूं। तमाशा कहां का है? तमाशा कहां का है? महाराष्ट्र का। और राउफ आप लोग बताएंगे। अब थोरा और वेदी में बता दीजिए कौन सा है, थोरा और वेदी में बता दीजिए मुझे कौन सा है, आंसर करिए जल्दी से। थोरा और वेदी। अरे भाई तमाशा मैंने पहले ही मना कर दिया, तमाशा क्यों बोल रहे हो? तमाशा महाराष्ट्र का है भाई मेरे, तमाशा महाराष्ट्र का है, क्यों बार बार बोलते चले जा रहे हो? उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, आप जिससे कंफ्यूज हो रहे हो वो नौटंकी है, वो उत्तर प्रदेश का है। अब बताइए, बिल्कुल सही, थोरा इज द राइट आंसर, ठीक है थोरा। और राउफ आपका कहां है? राउफ जम्मू एंड कश्मीर का है। अगला, स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मीजर्ड इन, कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो इनमें से किसमें मीजर करी जाती है? ये गीगा हर्ट्स में करी जाती है। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर हाउ मेनी मंथ? आपसे कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा पास किया गया जो ऑर्डिनेंस है ये कितने दिनों तक इंपॉर्टेंस में रहता है, मतलब कितने दिनों तक एक्टिवेट रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर इनडेफिनेटली? बताइए, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है, ये कितने महीने तक रहता है? कितने महीने तक एक्टिव जोन में रहेगा या फिर फोर्स में रहेगा, बता सकते हो? सिक्स मंथ्स इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 6 मंथ्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ उत्पल डायनेस्टी? उत्पल डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? कश्मीर, कन्नौज, पुरी या काशीपुर? ध्यान रखिएगा कश्मीर इनकी कैपिटल थी उत्पल डायनेस्टी की। अगला क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल? ऐसा किसने कहा है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, ये क्या होता है? ऑफ द पीपल, लोगों का होता है, लोगों से होता है और लोगों के लिए होता है, ऐसा किसने कहा है बताइए जरा। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ, ऐसा किसने कहा है जो डेमोक्रेसी है वो लोगों से है, लोगों के लिए है? ओके, और बिल्कुल बताइए, लिंकन इज द राइट आंसर, लिंकन इज द राइट आंसर, अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाई, हर्षवर्धन का जो विजय अभियान था इसको किसने रोका था? हजार बार बता चुका हूं, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय। वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसे कर कि दिल सवार हो जाए, वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसे कर बेटा कि दिल सवार हो जाए, मैं कहता हूं मोहब्बत ऐसे कर कि बेवफा को भी प्यार हो जाए, समझे? तो मोहब्बत भी करनी है तो ताबड़ तोड़ करना, नहीं तो मोहब्बत करना छोड़ दो, फिर आप किसी काम के नहीं। तो मोहब्बत करनी है या पढ़ाई करनी है, जो भी करनी है ताबड़ तोड़ करनी है, नहीं तो यार सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ हिमालय में चले जाओ, फिर आपकी यहां जगह नहीं है। Which of the following is west flowing river? इनमें से कौन सी एक west flowing river है? West flowing और east flowing का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? West flowing वो जो अरेबियन ओशियन की तरफ गिरती है और east flowing वो जो बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है। बताइए जल्दी से which one is the correct answer? चलिए मैं ही sort out करता हूँ। सतलज किधर गिर रही है? सतलज ऊपर से आती है ना, ठीक है, अरेबियन ओशियन में गिरती है, तो ये आपकी west flowing है। गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये ईस्ट फ्लोइंग है। गोदावरी नासिक से निकलकर इधर से जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। कावेरी ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। आपसे वेस्ट फ्लोइंग पूछा था ना, सतलज है वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ द टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। ऐसा किसने कहा है कि जो टेस्ट का जो रियल सेट है, जो माइंडसेट है, वो किसमें, वो टंग में नहीं है, वो आपकी जीभ में नहीं है, वो ब्रेन में है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, द रियल सीट ऑफ द टेस्ट इज नॉट इन टंग बट द माइंड। सर सब तो ईस्ट है सिवाय 4 के। बताइए जल्दी से। जी हाँ, गोदावरी को ओल्ड गंगा के नाम से, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग विवेकानंद बोल रहे हैं और कुछ लोग महात्मा गांधी बोल रहे हैं। और कोई बताएगा? और कोई बता सकता है दावे के साथ? चलिए ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा हुआ है, ठीक है, ना ही घोष साहब है और ना ही विवेकानंद जी हैं, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया वर्ल्ड है। और ये वर्ल्ड किसके द्वारा कहे गए हैं, ये वर्ल्ड किसके द्वारा कहे गए हैं कि अगर भारत ही नहीं रहेगा, ठीक है, भारत ही नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता किसको मिलेगी, बताइए। इफ इंडिया विल नॉट रिमेन देन वॉट विल वी डू हैव इन फ्रीडम, हम फ्रीडम लेकर क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। Which Amendment Act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? आपसे कह रहा है ये कौन सा अमेंडमेंट है, ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान रखा गया, बताइए। ये कौन सा अमेंडमेंट है, माफ करिएगा, प्रस्तावना नहीं, प्रियम्बल का प्रावधान रखा गया। प्रस्तावना तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपकी संशोधन करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडक्ट करी गई थी। सिंपली आपसे क्वेश्चन यह है कि यह कौन से अमेंडमेंट के तहत प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यह 42वां संशोधन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 42वां संशोधन है 1976 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वॉज, आपसे कह रहा है अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ थे तानसेन, इनका रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था राम तनु पांडे, क्या नाम था, राम तनु पांडे। और ये दो तरीके के मल्हार गाते थे राम तनु पांडे, कौन कौन से, एक तो ये राग मल्हार गाते थे और दूसरा दीप मल्हार गाते थे, राग मल्हार और दीप मल्हार। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड, जो विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं जानवरों की, जब आप उनकी स्टडी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, एमिथोलॉजी बोलते हैं या पैलियोनोथोलॉजी बोलते हैं, बताइए। जो विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं जानवरों की, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। दावे के साथ बोलना। नागराज आंसर बिल्कुल सही है आपका, नागराज का आंसर सही है, इसको बोलते हैं पैलियंथोलॉजी, ठीक है, जो विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं। और अभी हाल ही में एक स्टडी में पाया गया था कि ये कौन सा जानवर है जिसकी प्रजाति अगले 80 सालों में लगभग खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ये है पोलर बियर्स, पोलर्स बियर, पोलर बियर मतलब बर्फीले भालू, अगले 80 सालों में 2100 तक इनकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा मानना है, क्योंकि ग्लेशियर जिस तरीके से पिघल रहे हैं। द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन, आपसे कह रहा है सलाइवा, आपके मुंह में जो लार होती है ना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन, आंसर करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन। हमारी सलाइवा में, हमारे मुंह में जो लार है, इनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए, कुछ लोग पेप्सिन यहां पर भी बोल रहे हैं, भाई मेरे पेप्सिन तो प्रोटीन के लिए होता है, तुम लोग नहीं सुधरोगे, क्या चाहते हो यार तुम लोग कि मेरे बाल वाल सब सब झड़ जाए, बाल वाल हैं, ये सारी सारी ब्यूटी खत्म हो जाए सुल्तान की। चलिए खुद देखिएगा, ठीक है, ये खुद देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, खुद देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद देखिएगा ताकि आपको याद रहे, इतने सिंपल क्वेश्चन में भी चारों तरीके के आंसर आ रहे हैं यार, दुखदाई बात है।
एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई लाइक दैट. आपसे कह रहा है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको जो ऊपर आसमान दिखता है वो किस रंग का दिखता है? उसको ब्लैक दिखता है, वो काला दिखता है. ठीक है, आउटर स्पेस में काला दिखता है पूरा अंतरिक्ष. आज की बात यार यहीं तक रखता हूं. ठीक है, थकावट हो गई है पूरे तरीके से, तबीयत भी ठीक नहीं है. कल की जो क्लास होगी, कल पूरे 120 क्वेश्चन होंगे उसमें. ठीक है, आज के बचे हुए 20 और कल के 100, तो कल पूरे 120 क्वेश्चन करा के ही छोड़ूंगा पक्का. आज की बात यहीं तक रखता हूं. ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या तो नहीं? छोड़ सकता हूं मैं क्लास को? कोई समस्या तो नहीं है किसी को? कोई समस्या हो तो बताओ. बाकी कल की क्लास और हो जाने दो. कल की जो लास्ट क्लास होगी उसमें पीडीएफ मैं उसी में अटैच करवा दूंगा. ठीक है, तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी. तो पीडीएफ पीडीएफ मत चिल्लाओ फालतू में. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सर शायरी बोल दो, शायरी की डिमांड आ रही है आपकी. और बताइए, पीडीएफ के अलावा और कोई समस्या? पीडीएफ के अलावा और कोई समस्या है तो बताओ यार, नहीं तो फिर कल से मुलाकात होगी. चलिए ठीक है, अब कुछ जिद्दी आशिकों के लिए. जिद्दी आशिकों के लिए कुछ ऐसी लाइनें हैं कि इश्क वो नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क बल्कि वो है जो तुझे किसी और का ना होने दे. और बाकी जीएस का फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर. ये 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ये 21 मार्च तक चलेगा. जो लोग भी जीएस का फुल कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ. डिस्काउंट कोड है Varun777, VARUN Varun777. इसको लगाकर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर. ठीक है, चलिए अभी की बात यहीं तक रखी जाए, यहीं तक रखी जाए अभी की बात. ठीक है, डन. कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी कि चाहने की साजिश ना हुई. कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी कि चाहने की साजिश ना हुई. जिसे चाहा था उसे पा ना सके, और जिसे पाया उसे चाह ना सके. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपना प्यार बनाए रखिए, लव यू ऑल. बस पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी. पढ़ाई करते रहो, थोड़ा थोड़ा ही बड़े भले पढ़ो आप. 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. 4 घंटे, 5 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो, 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, चलेगा. लेकिन डेली पढ़ाई करो, ठीक है. भले कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो. कंसिस्टेंसी मैटर्स, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए बस. ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर.